जम्मू कश्मीर की ये खूबसूरत और ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ और इन पहाड़ों के दूर दराज में लोग रहते हैं, इन रिमोट लोकेशन में लोग बसवास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन सारे ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों के बीच में दूर दराज में जैसे लोग रहते हैं, इन लोगों को कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए और मेडिकल सुविधाओं के लिए और ऐसे ही पीने के पानी लगाएं अन्य ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज़ जो इनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए और लोगों को एक आपस में जोड़ने के लिए और जैसा कि यहाँ के बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए कई किलोमीटर पैदल यात्रा करके जाना पड़ता है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने इन पहाड़ियों के बीच में इन सुरंगों के द्वारा एक टनलें बनाकर इन रास्तों को काफ़ी छोटा करने की कोशिश किया है और रास्तों को काफ़ी छोटा कर दिया गया है, जिसके चलते अभी धीरे धीरे जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और इन जम्मू कश्मीर के खूबसूरत वादियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, जैसे टनलों के द्वारा और इन सुरंगों के द्वारा जैसा रास्ता छोटा कर दिया गया, लोगों को आवागमन के लिए, आने जाने के लिए और स्कूल में पढ़ने के लिए और साथ ही अन्य आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इन लोगों को काफ़ी सुविधा मुहैया कराया गया है भारत सरकार के द्वारा। और ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ और जो दूर दराज के जो बचे हुए गांव हैं, उन गांव को भी भारत सरकार ने कहीं ना कहीं जो है बहुत सारा मेगा प्रोजेक्ट्स के द्वारा, छोटे छोटे अप्रोच रोड ब्रिज के द्वारा इन लोगों को एक आपस में जोड़ने की कोशिश किया गया है। और इसी का जीता जागता नज़ारा ये जम्मू कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट स्थित सलाल और बकल के बीच में बाताल गला सड़क सुरंग जो भारत सरकार भारतीय रेल के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ललित कुमार रावल में, ललित सिंह रावल में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों ने मेरे चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है और आशा करता हूँ इसी तरह मेरे चैनल के माध्यम से जो भी मैंने वीडियो आपको आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, जो आप लोगों को इन वीडियो के द्वारा जो यहाँ के विकट परिस्थितियों को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ये आपको कहीं ना कहीं एक नई जानकारी प्रदान करेगी। और मेरा इन विकट पहाड़ियों, जम्मू कश्मीर के खूबसूरत वादियों को दिखाने के पीछे मोटिव ये है कि ये एक मेरा पैशन है और साथ ही आप लोगों को जब कभी भी जम्मू कश्मीर की यात्रा करने के लिए आप आएंगे, आप लोगों को यहाँ के जो है लोकल भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी हो। और आप देख पा रहे हैं और नीचे की ओर चिनाब नदी है जो जम्मू कश्मीर की एक सबसे बड़ी नदी है और ये नदी जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से स्टार्ट होकर पूरा जम्मू कश्मीर को सिंचाई करते हुए और ये पाकिस्तान में जाके सतलुज नदी में मिलती है। और इस चिनाब नदी का जो है टोटल लेंथ 943 किलोमीटर है और ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर की एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर बहुत सारे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और जो पूरे देश को बिजली प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा YouTube चैनल अच्छा लगा तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। यह है बाताल गला टनल जो सलाल और बकल के बीच का जो पहाड़ी है, उस पहाड़ियों के
पहाड़ी में पड़ता है। और जैसे कि बकल से जब भी सलाल जाते थे लोग पहले, और सलाल के लोग जब बकल जाते थे, बकल के लोग सलाल आते थे, तो उनको कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। जब से ये सुरंग, ये टनल बनाया गया है, उसके बाद ये रास्ता जो है 3 किलोमीटर छोटा कर दिया गया है, और अब यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा प्राप्त किया, प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा, भारतीय रेल के द्वारा।